हाँ तो दोस्तों, क्या चाल है? आप सबको उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है अबीर पेट्स क्लिनिक पे होने जा रही है। यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर से भी मिलवाऊंगा और दूसरे नंबर पे जो है आपको कैट फूड, डॉग फूड और कैट और डॉग की जो है डिफरेंट एसेसरीज के बारे में रेट लेके दूंगा। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं, डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं और प्राइसेस जो आपको लेके अपडेट करते हैं। I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Hello, my name is Dr. Abir Ahmed. You are a graduate, my DBM is a graduate. So, what is your location? Which side pe hai? सही। तो डॉक्टर साहब, हम जो उनसे पहले जो उनसे आप एक्सेसरीज वगैरह दिखा दें, एक्सेसरीज के साथ कैट फूड वगैरह जो उनसे आजकल इशू भी चला हुआ है कैट फूड का, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं आगे। तो मेनली जेली फूड वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, आपको डिफरेंट ब्रांड्स के नजर आ रहे होंगे जी। तो ये इनमें टॉप का जो सा होता है वो कौन सा है? ज़्यादातर जो बाहर ब्रिक के आते हैं, फेलिक्स के आते हैं, यूरोपियन ब्रांड्स के, इसी तरह बेहतर हैं, ड्रेमीज वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्टार्स प्रोडक्शन किया जाता है कैट्स में, जेली फूड ये अवेलेबल है। तो इनसे बड़े पैक भी अवेलेबल होते हैं या ये छोटे ही हैं? इसमें जेली फूड में ज़्यादातर छोटी पैकिंग ही आती है, बड़े पैक्स में ज़्यादातर ड्राई बिस्किट्स आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाते हैं, वो ऑप्शन हो जाते हैं, अदरवाइज पैकिंग छोटी ही होती है ज़्यादातर जेली फूड। तो ये आगे कुछ शैम्पू भी हैं नहलाने के लिए, कुछ बेदिंग वगैरह पेट्स की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, समर सीजन है, उसके लिए बेदिंग क्लीनिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए पर्टिकुलरली हम यही गाइड करते हैं कि ह्यूमन साइड का शैम्पू कभी ना यूज़ किया जाए पेट्स के लिए, क्योंकि उसमें अक्सर इनकी जो पीएच होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्स। तो ये स्पेशली डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि प्योरली पेट्स के लिए ही बनाए जाते हैं, उनकी स्किन, उनकी फर के लिए बनाया जाता है, ताकि स्किन के हवाले से कोई। तो ये सिर्फ कैट्स की है या डॉग्स को भी यूज़ करवा सकते हैं? इवन डॉग्स को भी ये वाले यूज़ हो जाते हैं, उनकी फर का अदरवाइज मेडिकेटेड क्लास भी आ जाती है, ड्राई बाथ्स वगैरह भी आ जाते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे पेट को नहला नहीं सकते तो आप पाउडर से क्लीनिंग वगैरह उनकी। तो ये पाउडर, तो इसकी प्राइस जो है ये ऊपर आपने लिखी है 600 है। तो ये इसके क्या ये कलर अलग अलग हैं? ये फ्लेवर बेसिकली फ्रेग्रेंस डिफरेंट होती है उसकी, उस पर्पज के लिए यूज होगा। तो कुछ कैट फूड पे भी अब नज़र मार लेते हैं। ये वाला जो कैट फूड, इसकी प्राइस क्या जा रही है? और पाए पाए के नाम से है फूड, क्वालिटी वाइज अच्छा बेहतर फूड है एज़ कम्पेयर टू जो लोकल आजकल मार्केट में फूड अवेलेबल है, उसकी नज़र बहुत अच्छा फूड है। इसमें आपको 400 ग्राम्स का पैक आपको 650 में अवेलेबल है, फिर इसकी बड़ी पैकिंग आ जाती है जो ये वाला जो है ये 400 का है जी, 650 में। और जो ये वाला है, इसके अलावा पाईपा 1.5 केजी में इसके बाद आता है, ये आपको 1600 में अवेलेबल 1600 में ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर पेट भी यहाँ पे है। इसके बाद मिस्टर पेट है, ये इसका 400 ग्राम में 400 to 500 ग्राम में इसकी जो पैकिंग है, ये आई थिंक हाफ केजी की पैकिंग आती है जी। बिल्कुल, ये हाफ केजी की पैकिंग आती है, ये आपको 750 में अवेलेबल है मिस्टर पेट। इसकी भी मार्केट बहुत अच्छी है, ये बेसिकली चिकन और मीट फिश दोनों के साथ यूज़ होता है, तो इसमें ज़रा बेहतर इंग्रेडिएंट यूज़। और इसके साथ भी एक कैट फूड है, ये मैंने देखा नहीं, डोगी और कैटी के नाम से नया मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। इसका भी रिजल्ट बेहतर है, कंप्लेंट नहीं है ऐसा कोई फूड की, लेकिन उतना मार्केट में आपको अभी रनिंग में आइटम में नज़र नहीं आएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसकी भी मार्केट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फूड आजकल जिस तरह फूड बैंड चल रहा है मार्केट में, इस तरह के फूड ब्रांड जो हैं उनको मौका मिल रहा है मार्केटिंग का, फूड में आने का, रनिंग में आने का। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इस सस्ते फूड कंपैरेटिवली इनके हवाले से भी अच्छा रिस्पांस आएगा। ये 1 kg की पैकिंग आपको 700 की अवेलेबल है। सही, तो 1 kg या ये 400 ग्राम जो उनसे कह रहे हैं 500-400 ग्राम, इसलिए थोड़ा फर्क भी है, थोड़ा सा साइज का पैकेट का फर्क है, क्वांटिटी पूरी हुई है। क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी ये पेट इसका मिस्टर पेट का जो है हाफ के जी है, वो 1 kg की पैकेट, 1 kg मार्केट का। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फूड क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं हुआ जी, टेस्टिंग वगैरह होती है फूड की, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस रेंज भी उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाती है। अभी क्योंकि वो रनिंग आइटम नहीं है इतनी बहुत ज़्यादा, उनको ज़रा मार्केट प्राइवेसी कम रखी हुई है। तो ये मेरा कैट भी है यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इसकी भी प्राइस हम बता दें व्यूवर्स को। मेरा कैट आपको 400 ग्राम की पैकिंग 650 में अवेलेबल है, 650 में। और ये 1 kg वाला 1.5 kg की जो पैकिंग है ये आपको 1700 में जो है ये अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कैट फूड ही है? ये डॉग फूड है, डॉग में इसमें एडल्ट की वही डॉगी कैटी जो ब्रांड है, एडल्ट और पपी के पैकेजिंग अवेलेबल है।
तो इसकी प्राइस क्या आपको, ठीक है जी, की पैकिंग है ये आपको 1600 में अवेलेबल हो जाएगा। और जो पपी का है इसका ये आपको 1700। पपी इसका कौन सा, ये वाला? जी जी, 700 में। 1700 में ये कितने केजी वाला है? ये भी 3 केजी का। 3 केजी का है, तो इसके साथ भी एक पड़ा भाई, ये कौन सा? इसके साथ रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स का डॉग फूड है ये, आपको 3 केजी 2200-2300 में अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। दोनों की सेम प्राइस है जी, जो साथ में आता है। सही, तो अब उसके बाद जो सा है ये कुछ रॉयल कैनन मदर। जी जी, रॉयल कैनन मदर एंड बेबी का, ये मदर एंड कैट का मूज जेली जो फूड है किटन्स के लिए या उन कैट्स के लिए जिनको टीथिंग का इशू होता है, प्रॉपर डॉग फूड नहीं खा सकते, उनके लिए एक टाइम का ये मील होता है। तो मूस के नाम से आता है, आप ये भी ऑफर कर सकते हैं जेली फूड है। इसके साथ वेगल्स एक नया ब्रांड मार्केट में आ रहा है पेट के हवाले से, उसमें आपको इनका जेली फूड और इस तरह के प्रिपेयर्ड टिन फूड्स अवेलेबल हैं, ये ऑफर कर सकते हैं। वो डॉग्स का है ना? डॉग्स का है। सही, तो ये कुछ लीटर्स वगैरह भी हैं, इसके बारे में भी बता दें। इसमें हमारे पास जो बेंटोनाइट के लीटर्स हैं, ये इम्पोर्टेड लीटर्स हैं, ये बाहर से जो आते हैं, इनकी क्लम्पिंग एज़ कम्पेयर टू जो लोकल हमारे पास लीटर होता है उसकी नज़र बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। सेकेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये फ्लेवर्ड में, अगर आपने रूम में, अपने इंडोर रूम में रखा हुआ है तो आपको एटलीस्ट रूम की वजह से वो स्मेल आती है कैट्स की, उस चीज़ की कंप्लेंट नहीं है। इसके अलावा क्लम्पी अवेलेबल है, अब क्लम्पी ने भी अपनी लेवेंडर क्लास निकाली है, जिसके इसमें भी इनका सेंटेड फूड उसका जो लीटर है वो आना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये कुछ स्कूप और ये इसके बर्तन वगैरह जो क्या नाम लेते हैं इसका, लीटर बॉक्स रूम से आता है, जो पेट स्टूल के लिए, यूरिन के लिए यूज़ करते हैं इसकी, उसके साथ उनके स्कूपर्स होते हैं जो क्लीनिंग के लिए होते हैं साथ, और साथ उनकी ट्रेज होती हैं डिफरेंट साइज़ की, हर पेट से अकॉर्डिंगली होता है। इसमें अगर बड़े साइज़ का पेट है तो आप ज़रा खुले उसमें यूज़ कर सकते हैं, इनसे बड़े साइज़ की भी ट्रेज आती हैं जो कि 2 से 3 कैट्स एक घर में अगर हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, इसकी प्राइस की बात की जाए, छोटे वाला टब कितने का? सबसे छोटा साइज का टब है ये आपको 600 में अवेलेबल है, जो उससे बड़े साइज का है वो 800 का है, और ये गोल वाला, और ये गोल वाला ये क्योंकि लोकल मार्केट का, ये आपको 700 में अवेलेबल है। अच्छा, तो इम्पोर्टेड क्लास आती है जिससे बड़ी हो जाती है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्राइस ज़्यादा। और ये बर्तन भी कुछ है इसके बारे में? कैट्स के लिए ज़्यादातर, कैट डॉग के लिए जो फीडिंग बाउल्स वगैरह आते हैं वो हैं, जो प्लास्टिक में ज़्यादातर यूज होते हैं हमारी, ये कैट के लिए है ये दोनों? जी जी, कैट के लिए, डॉग के लिए, दोनों के लिए। तो इसकी प्राइस, हमारी कोशिश ये होती है कि जो प्लास्टिक के बाउल हैं उसमें ज़्यादातर आप फीड ऑफर करें, पानी ज़्यादा ना दें पेट को, पानी के लिए ऊपर हमने स्टील बाउल रखे हैं वो यूज़ करते हैं। इनमें डिफरेंट प्राइस हैं, सबसे छोटे साइज़ का है वो 300 का है, जो उससे बड़ा है वो 500 तक चला जाता है। ये 300 का है और ये वाला 500 का है, और ये उसके बाद डॉग के लिए जो 700 तक, ये डॉग के लिए जो 700 में मिल जाएगा आपको। उसके साथ रबर पैडेड होता है नीचे, उसका ये फायदा है कि ये मूव नहीं करता। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, कैट फेस आता है इस तरह का, ये डबल उसमें आता है, बाउल में आता है, जिसमें एक ही बर्तन में आप इसको कैट फूड का और पानी का साफ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कैट्स हैं तो आप उनको 2 बाउल्स में रख के ऑफर कर सकते हैं, आपको 600 में अवेलेबल। हाँ, तो व्यूवर्स, आज की वीडियो जो सी थी यहीं तक थी, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी आज भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।